अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको मावा बनाना सिखा रहे हैं। इस छालिया को एक रात पहले हमने चूने के पानी में भिगो दिया था, कम से कम 6 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा एक रात के लिए हम छालिया को भिगो सकते हैं। दरबार पान मसाला, चंदा मामा पत्ती, चूने की एक थैली, जितना पानी मेरा डाला हुआ है इतना डालना है आपको भी, और मिक्स पत्ती और खत्ता घर का भाई। अब हम ये चूने का पानी फेंक देंगे सारा, बिल्कुल खुशक कर लेंगे मेरे भाई। याद रहे चूने का पानी सारा फेंक देना है हमें। चूने का पानी फेंक दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, अब जिसको जलानी मावा खाना है वो इस जगह पे आके जलानी का सामान डालेगा, ये सामान नहीं डालेगा। जो जलानी मावा बनाना चाह रहे हो उसके अंदर सबसे पहले जहूर पत्ती 50 ग्राम, 120 पत्ती 50 ग्राम और शहजादी पत्ती 50 ग्राम, ये तीनों पत्तियाँ मिक्स कर लो। उसके बाद जलानी पाउडर आता है, तकरीबन 2 चम्मच जलानी पाउडर आधा गिलास पानी में डाल के, मतलब घोल के, खत्ता नहीं डलेगा इसके अंदर, डायरेक्ट वो डलेगा जलानी पाउडर का जो होता है, जो आप लिक्विड बनाओगे वो डलेगा इसके अंदर इस जगह पे आके। मेरे भाई बनाओगे तो याद रखोगे, भाई को दुआएं दोगे, बोलोगे कोई चीज बनी है, जलानी मावा बना है, आप बोलोगे। आइए हम अब अपना मावा बनाना शुरू करते हैं जो हम बना रहे हैं। ये जी दरबार मसाला डालेंगे अब इसमें हम, तकरीबन 3 टेबल स्पून ये डालेंगे, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसको अच्छी तरीके से मिक्स करना जरूरी है, छालिए के अंदर एक चमक आ जाएगी, हर दाने पे चमक आनी चाहिए। जैसे सारी छालियां चमकदार हो जाए आप समझ जाओ अच्छी तरह मिक्स कर चुके हो आप। अच्छी तरीके से मिक्स कर लें इसको फिर। जब मिक्स हो जाए तो उसके अंदर खत्ता डाल दीजिए, तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून। खत्ता डाल के भी इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें चंदा मामा पत्ती डालेगी। अच्छा जी, ये 100 ग्राम की थैली है, इसमें से हम 50 ग्राम डालेंगे इसके अंदर चंदा मामा पत्ती। मेरे पास बची हुई थी पहले से, तो मैं वो डालूंगा इसके अंदर। तकरीबन 50 ग्राम, 100 ग्राम की थैली है ये। अब इसमें मिक्स पत्ती डालेंगे तकरीबन 100 ग्राम। मेरे भाई ये ऊपर आई का बटन आ रहा है, ये आप जैसे किसी भाई के बच्चों का चैनल है, अगर हो सके तो ऐसे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। उन्होंने बहुत फोर्स किया था तो मैंने आपको बोल दिया, बहुत शुक्रिया भाई। अब इन सब चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मेरे भाई। आपका मावा तकरीबन तैयार है, अब इनको छोटी थैलियों में पैक करके भर लेंगे। फिर आप देखिएगा मेरा भाई कोई चीज बनी है, आप बोलोगे भाई को दुआएं दोगे कि कोई चीज बनी है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लो, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, आप यकीन मानो।
आप बनाना, बना के मुझे बताना कैसा बना है कमेंट बॉक्स में, अच्छा लगेगा अगर आप बताओगे तो। और आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया यार, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, सराहा अपने भाई को। मेमपुरी की भी एक वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द। ये थैलियां बना के पैक करके रख लेंगे हम, ये डीप फ्रीजर में रख लेंगे, खराब नहीं होगी, 14-15 दिन 20 दिन रख के खाएं आप, कुछ नहीं कहेंगी ये। रोज निकालो और रोज खा लो मेरे भाई, घर में बनाओ घर में खाओ मेरे प्यारे दोस्तों। हो सके तो यार चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, जो भी कुछ होता है यार कर लो, आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम।